हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए चटपटे करारे आलू की सब्ज़ी और लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ऐसे करके बनाए हैं मैंने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था, अब इसको छील रही हूँ। कुकर में डाल दिया था पानी डाल के और बॉईल कर लिया था पहले से ही। अब इनको छील रही हूँ, अच्छी तरह से छिलका इसका साफ़ कर लेना है। ऐसे करके सारे आलू मैं छील लूँगी, सारे आलू छील के तैयार कर लेने हैं। छिलका इजीली उतर जाएगा क्योंकि अच्छी तरह से बॉईल किए हुए हैं आलू मैंने, इजीली उतर रहा है छिलका इसका। और सारे आलू अब ये देखिए रेडी हो चुके हैं, सारे आलू छील लिए। इसके बाद इनको कट कर लेंगे, आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हो, मैंने हाथों से इनको तोड़ के कट किया है। इसके बाद एक पैन ले लेंगे, पैन के अंदर ऑयल डाल रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा इसमें और बहुत टेस्टी चटपटी हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब 1 चम्मच जीरा डाला मैंने इसके अंदर, जीरे को अच्छी तरह से भून लेंगे, चटकने देंगे इसको, अच्छी तरह से चटका लेंगे जीरे को। अच्छी तरह चला रही हूँ मैं इसको। इसके बाद हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हींग भी डाली थी, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर जीरे के साथ ही। अदरक और हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, हल्का सा ही सौते करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना इनको। इसको चलाती जा रही हूँ मैं ताकि जले नहीं, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना। इसके बाद 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाला है, हल्दी डाली है, यानी कि मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसको चटपटा बनाने के लिए अमचूर पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाला है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो अगर अमचूर पाउडर नहीं है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है, यानी कि 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने इसके अंदर। इनको मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी तरह से, पका लेंगे हल्का सा। इसके बाद जो आलू हमने काट के रखे थे या तोड़ के रखे थे इसमें डाल देंगे, बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, लंच बॉक्स में दे सकते हो, बहुत जल्दी एक तो तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटी होती है। बच्चों के तो वैसे भी आलू फेवरेट होते हैं, इसलिए उनको बहुत पसंद आएगी, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएगी ये सब्ज़ी। इसके साथ आप पूड़ी भी बना सकते हो। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाली है 1 टीस्पून, सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो नमक। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं के साथ मसाले अच्छी तरह चिपक जाएं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आलूओं के साथ सारे मसाले। चलाते जाएंगे इसको, बहुत ही चटपटी सब्ज़ी ये बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब कोरिएंडर से इसको गार्निश कर देंगे, धनिया डाल देंगे ऊपर से धो के, अच्छी तरह से काट के धनिया डाला मैंने इसके ऊपर। अब सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, ज़्यादा देर भी नहीं लगी बनने में और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार चटपटी है ये। इसके बाद मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ, डो मैंने तैयार कर लिया था, जैसे चपाती का डो होता है वैसे सिंपल डो तैयार किया था मैंने। इसके बाद एक लोई ले ली, इसको बेल रही हूँ मैं। अब इसके ऊपर देसी घी लगा देंगे, देसी घी को मेल्ट कर लिया था मैंने, वो लगाया इसके ऊपर क्योंकि देसी घी से ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे प्लेटें बनाते हैं प्लेट्स डालते हैं वैसे ही डाल लेंगे, इसकी प्लीट्स डालते हैं ना वैसे इसको कर लेंगे। इसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ ले आएंगे इसकी लेयर, और ऐसे अंदर डाल के और प्रेस कर देंगे हल्का सा। अब इसको बेल लेंगे, हल्का हल्का प्रेस करने के बाद इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और बेल लेंगे इसको।
सूखा आटा लगाती जा रही हूँ और बेलती जा रही हूँ। जैसे पराठा हम बनाते हैं उतना ही बेलना है इसको। अब मैंने तवा गरम कर लिया था, तवे के ऊपर डाल देंगे इसको। साइड चेंज कर देंगे, अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से। इसके बाद मैं ऊपर से बटर लगा रही हूँ, आप देसी घी भी लगा सकते हो, ऑयल भी लगा सकते हो, जो चीज़ आप खाते हो वो लगा सकते हो इसके ऊपर। दोनों साइड पे बटर लगा देंगे, मैंने बटर ही यूज़ किया इसमें। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये हल्का सा नमकीन होता है ना बटर, इसलिए। ये देखिए इसकी परत दिख रही होगी आपको, लच्छे पराठे की परतें दिख रही होंगी। ये देखिए कितना बढ़िया बनाया है हमारा लच्छा पराठा। अच्छी तरह से इसको सेका है, इसको ऐसे करके किचन के नैपकिन में रख के ऊपर से बटर लगा के ऐसे क्रश कर लेंगे इसको, और कितना बढ़िया बना है हमारा पराठा। ऐसे करके दो पराठे बना लिए थे मैंने, लग रहे हैं ना बहुत बढ़िया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।